नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर 24 न्यूज। मैं हूं विमल। आइए जानते हैं शहर की प्रमुख खबरों की। करीब एक साल से कोरोना का खौफ झेल रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि कोरोना को खत्म करने के लिए शनिवार को पहले चरण में जिले में कुल 286 लोगों ने टीका लगवाया। टीका लगवाने वालों में टीकाकरण को लेकर उत्साह था। जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर लोगों को दिखाया गया। यह 11:15 पर हुआ। इसके बाद सबसे पहला टीका सीहोर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार डहरिया को लगाया गया। वैक्सीन लगाने से पहले सीएमएचओ का तिलक और हार पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद 3 साल की बेटी की मां व जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अर्चना राजपूत ने भी वैक्सीन लगवाई। पहली बार में कैसा अनुभव कर रहा था? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला वैक्सीन लगा है और इसमें कोई, ये कोरोना से बचाव के लिए है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं अपने माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मुझे आधा घंटा भी हो गया मेरे लगाए हुए, मुझे कोई भी समस्या नहीं हो रही। बहुत आसानी से मेरे स्टाफ ने सभी चीज़ एक्सप्लेन करी है और साथ साथ में यहाँ मुझे आधा घंटे रखा गया है, उसमें कोई समस्या नहीं हुई। साथ साथ में ये भी बताया गया है कि कोरोना के बचाव के जो तरीके चलते हुए आ रहे हैं वो सभी का मुझे पालन करना रहेगा जब तक मेरे अंदर पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है। साथ साथ में मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला है कि मैं वैक्सीनेटेड हो गया हूं करके। जितने भी हितग्राही हैं उनको भी ये, जिनको लग रहा है उनको ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और दूसरा डोज के लिए मेरे पास में कल रात में मेरे को पहले डोज के लिए मैसेज आया था और दूसरा डोज के लिए भी मेरे पास मैसेज आएगा। ये 28 दिन के बाद में यहीं पर जहाँ पर पहला डोज लगा है वहीं लगेगा और उसी कंपनी का मुझे सेकंड डोज दिया जाएगा। सर, लेना चाहते हैं सर आपसे, जो बहका माहौल है सर लोगों को भी मन में वैक्सीन को लेकर, उनके लिए क्या कहेंगे? ये जीता जागता उदाहरण है, मैं खड़ा हूँ इसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं आपसे मुस्कुरा के भी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी जरा सी भी कोई समस्या नहीं हुई है मुझे। और इसलिए ये लोगों को संदेश देने के लिए ही मैंने पहला टीका लगवाया है। इससे कोई भयभीत या कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। जो भी अगर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं या जो भी चीज़ हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये पूर्णतः टीका सुरक्षित और सेफ है। थैंक यू। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरोताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज। नमस्कार।